आस्था व पराक्रम के पर्याय भगवान झूलेलाल जी। सिंधु घाटी के लोग हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल द्वितीय तिथि को चंद्र दर्शन कर अपने इष्ट देव भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव नव वर्ष व सिंधी दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। इस पर्व को चेटी चंड के नाम से भी जाना जाता है। सिंधी समाज धार्मिक रूप से भगवान झूलेलाल को वरुण देवता के रूप में बहुत श्रद्धा से पूजता है। भगवान झूलेलाल जी उदेरो लाल, घोड़े वारो, जिंद पीर, लाल साई, पल्ले वारो, ज्योति नवारो, अमर लाल आदि नामों से भी जाने जाते हैं। भगवान झूलेलाल जल के देवता हैं। सिंधु या सिंध क्षेत्र में लोग प्राचीन समय से ही जल मार्ग से यात्रा करते थे। अपनी यात्रा को सकुशल बनाने व रक्षा के लिए वे वरुण देव झूलेलाल से प्रार्थना करते थे और यात्रा सफल होने पर उनका आभार व्यक्त करते हुए उत्सव मनाते थे। यह परंपरा तभी से प्रचलित है। भगवान झूलेलाल के अवतरण के विषय में प्रचलित है कि अत्याचारी व आतताई बादशाह मिर्ख शाह के आतंक ने जब सिंधी नागरिकों को ज्यादा दुखी व पीड़ित किया तो हताश जनता के परित्राण के लिए भगवान झूलेलाल अवतार रूप में प्रकट हुए। नसरपुर के ठाकुर रतन राय के घर माता देवकी ने चैत्र शुक्ल 2 संवत 1007 को बालक को जन्म दिया एवं बालक का नाम उदयचंद या उदेरो लाल रखा गया। भगवान झूलेलाल सिंधी समुदाय में प्रकृति, परमात्मा, ज्ञान, प्रकाश और पराक्रम से युक्त सर्वधर्म संभाव के प्रतीक अवतार पुरुष माने जाते हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी भगवान झूलेलाल जी के जन्मोत्सव पर उनका हार्दिक वंदन, नमन व अभिनंदन।